नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूँ श्वेता झा। आज का दिन दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मिला जुला है। तापमान की अगर हम बात करें, वेदर अच्छा है। अगर आप बाहर जाएंगे तो धूप तो है, धूप खिली भी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम तो कम से कम खुश हुआ है। और आने वाले दिनों में भी बताया जा रहा है कि वेदर जो है कम से कम दिल्ली एनसीआर में कुछ अभी फिलहाल इसी तरह का रहने वाला है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी से भाई 40 डिग्री तापमान हो गया है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। उड़ीसा में अभी का टेम्परेचर अगर आप बताएं, समझिए मार्च की शुरुआत हुई है और अभी 40 डिग्री तापमान है, तो आने वाले महीनों में और क्या होगा। जब हम मई जून में ऐसा देखा करते थे कि मई जून में जाकर के वो भी 30-35 डिग्री ही बहुत हो जाता है कि इतना तापमान हो गया, और अभी आप समझिए कि मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ है और 40 डिग्री तापमान अगर अभी से हो गया है, तो जब पीक पीरियड रहता है गर्मी का, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है पूरे देश में, उस वक्त अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त उड़ीसा में या फिर और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक जनवरी और फरवरी औसत जो तापमान होता है जनवरी में औसत न्यूनतम तापमान 14.78 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 1901 और 1921 के बीच जो विश्लेषण किया गया है उस हिसाब से, तो जनवरी 2021 में अखिल भारतीय औसत न्यूनतम तापमान 14.78 डिग्री सेल्सियस था। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि इस हिसाब से अभी 121 सालों बाद औसत तापमान के आधार पर जनवरी सर्दियों का तीसरा सबसे गर्म महीना रहा। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें फरवरी जो है वो सबसे गर्म रहा है। तो ये जो दो महीने हैं ये 121 साल बाद इतनी गर्मी इन महीनों में देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भी आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ एक नया आ रहा है, जिसकी वजह से वेदर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है वो तेज़ी से थोड़ा बदल रहा है, वहाँ पर अचानक से मौसम में बदलाव जो देखी जा रही है उसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी बर्फबारी भी होगी, ठंड वहाँ पर थोड़ी बढ़ेगी, एक बार फिर से ये देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कुछ समय तक थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपको ठंडी हवाएं शीतलहर जैसी, नॉट एग्जैक्टली जिस तरह से हम सर्दियों में फील करते हैं वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ जो हवा चलेगी उसमें थोड़ी ठंडक रहेगी। तो थैंकफुली ये अच्छा ही इम्पैक्ट होगा, ये अच्छी खबर है कि अभी भी हल्की ठंडक बनी रहे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भीषण गर्मी वाला समय होने वाला है। और जिस तरह से लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये चिंता का सबब भी है। कई राज्यों में बताया जा रहा है कि बारिश होने की भी संभावना है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है वो मैं आपको बता दूँ। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो हिमाचल में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, इन राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो इस हफ्ते मौसम का ऑलमोस्ट मिला जुला असर जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा। और अगले 6 दिनों में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा। और 5 मार्च को दिल्ली में ठंडी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 8 मार्च, जो मौसम विभाग बता रहा है कि 8 मार्च तक राजधानी का अधिकतम तापमान जो है वो 33 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 8 मार्च भी अगर आप कहें उस हिसाब से भी देखा जाए तो अभी इनफैक्ट अगर आप याद करें पहले की, तो मुझे जहाँ तक याद आती है बातें, तो होली के बाद हम ऐसे मानते थे, डेट्स तो उस समय याद नहीं रहते थे उतने, लेकिन होली के बाद हम मानते थे कि हाँ अब जो है ठंड की विदाई हो रही है और अब जो है धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत होगी। और इनफैक्ट होली भी, जो लोग होली खेलते हैं उन्हें भी याद होगा कि होली में भी ठंड लगती थी जब होली, रंगों वाली होली हम खेलते हैं तो। लेकिन इस बार जो है मामला बिल्कुल उलट है, और जिस तरह से ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका कहीं ना कहीं ये असर भी है जो हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से क्लाइमेट चेंज के तौर पर। और इसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैंने आपको अभी रिकॉर्ड बताया कि 121 साल के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी जो है अपने अपने हिसाब से बहुत ही गर्म महीना बताया गया है।
तो यानी आने वाले समय में जो है फिलहाल भले ही मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत आपको थोड़ी बहुत मिलेगी, पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी की बात कही जा रही है, कुछ इलाकों में बारिश की भी बात कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये कुछ समय का छलावा मात्र ही है, उसके बाद भीषण गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए। कुल मिला के ये कहना है मेरा, डराने का बिल्कुल आपको मकसद नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी होने वाली है, ये रिपोर्ट है, इसलिए मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती हूँ कुछ। दूसरी बड़ी खबर आज एक आई, जैसे ही हमने खबरों की शुरुआत की सुबह सुबह आज तक पर सबसे पहले 6:30 बजे हम आपको खबरों नई खबरें जो है वो दिखानी आपको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बुलेटिन करती हूँ 6:30 बजे, उसी समय एकाएक अचानक से खबर आती है, इनफैक्ट 7:45 बजे के आसपास एक खबर आती है लखनऊ से, बहुत बड़ी खबर आती है कि बीजेपी के सांसद कौशल किशोर उनके बेटे पर फायरिंग हो गई है। एकदम से ये खबर आई और बहुत बड़ी खबर थी कि भाई सुबह सुबह तड़के जो है कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग हो गई है और उन्हें एकदम गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, ये खबर सामने आई। तो उसके बाद जाहिर सी बात है लगातार हमारे जो अलग अलग सूत्र हैं, हमारे तंत्र हैं, वो खबर जानने में लग गए, उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, उनसे हमने जानकारी ली। तो शुरुआत में ये लगातार जो खबरें आ रही थी उसमें ये बताया गया कि बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, उनके बेटे को गोली मार दी गई है, कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर के आए थे और उन्होंने कौशल किशोर के बेटे यानी कि आयुष को, जो कि 30 वर्षीय है आयुष, उनको गोली मार दी है। तो अब इस खबर में हालांकि ट्विस्ट तब से लगने लगा, इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क तब से लगने लगे कि जब पहला रिएक्शन खुद कौशल किशोर का आया, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि इस खबर के बाद भी, इस सूचना के बाद भी कौशल किशोर की तरफ से किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई थी, किसी के अगेंस्ट भी कोई शक है कि किसने मारी है, क्या हुआ है, कोई आपसी रंजिश, कोई विवाद, किसी तरह की बात, इस तरह की कोई बात उन्होंने कोई आशंका जाहिर नहीं की थी और इस बात को बहुत ही सटल वे में उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा हुआ है, अंधश्रद्धा, इस तरह की बात सामने आई। लेकिन विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो सामने आई और वहाँ पर हमने बात की खुद डीके ठाकुर जो कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे खुद हमने बात की। मैंने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो एक मिनट में चीज़ें साफ हो गई। डीके ठाकुर ने खुद ये कहा उन्होंने कि दरअसल ये पूरा मामला जो है ये घरेलू मामला है, कौशल किशोर जो कि बीजेपी के सांसद हैं आपको बता दें, उनके बेटे आयुष 1 साल पहले उन्होंने लव मैरिज किया था, अपनी पसंद से उन्होंने शादी की थी, मे भी हो सकता है घर में इस बात को लेकर असहमति नहीं होगी और उसके पीछे की वजह क्या है ये फिलहाल हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी वजह रही हो कुल मिला के आयुष ने अपनी पसंद से शादी की थी और पिछले 1 साल से वो अपने पिता से अलग रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है और उस बीच अचानक से फिर ये अभी जो खबर आई वो ये कि खुद आयुष ने अपने साले को, जो आयुष का साला है, वो उसके साथ सुबह सुबह आ रहा था और अपने साले को ही उसने बोला था गोली चलाने के लिए, यानी कि गोली ये पूरे षड्यंत्र का एक पूरी तरह से पूरी साजिश रची गई, एक पूरे तरह से प्लान्ड वे में साजिश की, पूरे तरह से प्लान्ड वे में इस घटना को अंजाम दिया गया कि आयुष सुबह अपने साले के ही साथ आ रहा था और अपने साले को ही बोला था मुझ पर गोली चलाने के लिए ताकि लगे कि किसी और ने हमला किया है। और इनफैक्ट ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही आयुष को एडमिट किया गया ट्रॉमा सेंटर में, उसके कुछ ही घंटों बाद तुरंत फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज भी कर लिया गया और वो घर भी चले गए आयुष, इसको लेकर शंका और बढ़ गई थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने, लखनऊ की जो पुलिस है, उसने तुरंत आयुष के साले को अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेके जब पूछताछ की तो भाई वीडियो भी सामने आ गया, तुरंत उसके साले ने ये कबूल भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने ही गोली चलाई। तो अभी पूरा मामला जो है वो खुल गया है, अब इस मामले में कुछ रहा नहीं है। हाँ अब ये जानने वाली बात है कि भाई आखिर ये साजिश क्यों रची गई, क्या किसी को फंसाने की कोशिश थी, क्योंकि इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे तो यही बात है कि भाई कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि किसी और ने आयुष पर गोली चलाई, क्योंकि गोली जो है वो छूते हुए कंधे से और कमर के पास से वो छूते हुए गोली चली गई, यानी कि इसका भी पूरा ध्यान रखा गया कि गोली लगे ना, इसलिए फर्स्ट एड के बाद आयुष जो है वो घर भी चले। तो खैर कुल मिलाकर थोड़ी देर के लिए पूरी हलचल मची रही कि दरअसल ये क्या हो गया, लखनऊ में बहुत बड़ी खबर हो गई और ये वो, लेकिन
पिक्चर अब साफ हो चुकी है, तस्वीर अब साफ हो चुकी है, ये पूरा घरेलू मामला है और इसमें आगे पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और ये इनफैक्ट जाने की कोशिश करेगी कि दरअसल आयुष ने ही सब कुछ जो किया है वो दरअसल क्यों किया। तो चलिए फिलहाल ये बड़ी खबरें हैं। इस बीच एक लास्ट आपको छोटी सी खबर बता दूं, आमिर खान जो है महाभारत जो है उस पर एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने इस फिल्म को बनाने से फिलहाल मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मतलब दो साल के लिए, एक्चुअली क्या है कि महाभारत को इतना वास्ट है और इसमें इतनी तरह की चीज़ें हैं कि उसको एक फिल्म में समाहित करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया था कि एक वेब सीरीज़ बनाएं। लेकिन वेब सीरीज़ काफ़ी लंबी होती और उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स थे और कहीं ना कहीं आमिर को ये भी लगा कि कई बातों को लेकर विवाद भी हो सकता है, इसीलिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ये तय किया कि भाई फिलहाल दो साल तक एक वेब सीरीज़ को, कि उसमें लंबा समय लगता तो दो साल एक वेब सीरीज़ को बनाने में हम लगा दें, इससे बेहतर है कि कोई एक फिल्म पकड़ी जाए जो कि एक अच्छा कोई उसका डायरेक्टर हो। और एज यूजुअल जैसे कई सारे स्टार्स के साथ एक मूवी जो बनती है वो एक कोई अच्छी प्लॉट ली जाए, एक अच्छा डायरेक्टर हो जो कि भरोसेमंद हो और उसमें एक्ट किया जाए तो वो बेहतर होगा, बशर्ते कि वो महाभारत में टाइम दें और दो साल लगभग लगाए महाभारत में और उस बीच कॉन्ट्रोवर्सीज और इन तमाम तरह की चीज़ें आशंकाओं के बीच। तो फिलहाल ये खबर और इसी के साथ बाकी तमाम खबरें ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे, हमारे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर आप बने रहें और आज तक का लगातार अपडेट खबरों का देखते रहें। थैंक यू।